हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। ठीक है, बीते कुछ दिनों में आपने न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में डेली में ही कुछ ना कुछ न्यूज़ आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। ठीक है, तो आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे ये हमारा उत्तराखंड स्पेशल है एंड फ्रॉम द उत्तराखंड स्पेशल दिस इज द करंट स्पेशल टॉपिक। ठीक है, ये स्टूडेंट हमने देखा है ये वाला टॉपिक एक हमारा जो उत्तराखंड से है। ठीक है, डे टू डे बाय हमने ये देखा है कि न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रही है। कब तक आई है स्टूडेंट? जब से हमारा ये देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था उसके बाद से ही इसमें तीर्थ पुरोहित और जो साधु संत थे मंदिर से संबंधित उन सभी के द्वारा इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो एट द एंड जब ये हमारा विरोध पूरा इसके प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया और उसके बाद इस बोर्ड को खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद से ही ये थोड़ा मामला अब हमारा शांत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे उत्तराखंड स्पेशल लेक्चर के साथ जो है हमारा उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। ठीक है सर, तो उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, सबसे पहले हम देखेंगे कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड हमारा है क्या। ठीक है, कब इसका गठन किया गया, क्यों इसका गठन किया गया, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री थी कि इसके बोर्ड बनाने की जरूरत या इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, इस बोर्ड के गठन का, साथ ही साथ ये जब बोर्ड गठित हुआ तो उसके लिए क्यों एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, देन उसके बाद क्यों इस विधेयक को खत्म कर दिया गया। तो जान लेते हैं इस पूरी चीज की सारी मिस्ट्री क्या थी। ठीक है, हम देखते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर में चल रहा है। इंटायर वन ईयर में हमने देखा है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई है, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी तो बनती है कि आपके मेंस में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है एज अराउंड योर 50 वर्ड्स, 125 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में भी ये हमारा क्वेश्चन उत्तराखंड में आना इसका बहुत ज़्यादा इसके 99% चांसेस है। ठीक है सर, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कि हमारा उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड आखिर है क्या। तो देखिए सर, देवस्थानम बोर्ड हमारा क्या है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में हमारे चार धाम स्थित हैं। ठीक है, चार धाम जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, चार धाम जहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे हमारे देवी देवताओं का एक वास है। ठीक है, हमारे चार धाम जो है विश्व प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थलों में से एक है। चार धामों में हमारे कौन कौन से धाम है, केदारनाथ है भगवान शिव के लिए, बद्रीनाथ है भगवान विष्णु के लिए, ठीक है, गंगोत्री धाम है एंड यमुनोत्री धाम है। ठीक है, तो ये हमारे चारों धाम हैं। इन चार धामों के साथ ही साथ अन्य जो 51 मंदिर हैं उत्तराखंड के, ठीक है, चार धामों के साथ साथ अन्य जो 51 हमारे यहाँ पे टेम्पल्स हैं उत्तराखंड के, उन सभी के प्रबंधन के लिए यहाँ पे एक आवश्यकता महसूस की गई कि इन सभी के प्रबंधन के लिए हमारा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाएगा। वही आप नाम देख रहे होंगे कि देवस्थानम प्रबंधन, देव स्थानम से हमारा यही मतलब है स्टूडेंट, देव स्थानम। ठीक है, नाम से आप क्या समझ रहे हैं कि देवों का स्थान, जहां पे हमारा क्या है, देवों का स्थान है, अर्थात वो हमारे क्या है, चार धाम है। चार धाम हमारे केदारनाथ धाम, ये केदारनाथ धाम हमारा भगवान शिव का धाम है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हमारा विश्व प्रसिद्ध धाम है। ठीक है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी आए थे। ठीक है, शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे और इसी में अभी शंकराचार्य जी की एक मूर्ति की स्थापना भी की गई है। ठीक है, हमारा बद्रीनाथ धाम है, हमारा गंगोत्री धाम है और हमारा यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री धाम है, ठीक है, ये हमारे चार के धाम है उत्तराखंड के। तो यहाँ पे ये देवों का जो स्थान है, चार धाम जिन्हें कहा जाता है केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, के साथ ही साथ अन्य हमारे 51 मंदिर, ठीक है, इन सभी के एक प्रबंधन के लिए, इन सभी के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है और वो ही बोर्ड हमारा क्या कहलाता है, देव स्थानम बोर्ड। तो सिंपल सी डेफिनेशन में स्टूडेंट आपने समझ लिया कि देवस्थानम बोर्ड हमारा क्या है। देवस्थानम बोर्ड हमारा जो उत्तराखंड के
चार धाम हैं के साथ ही साथ जो यहाँ के 51 मंदिर हैं, इन सभी के नियंत्रण के लिए, इन सभी के प्रबंधन के लिए एक हमारा उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। कब किया गया इसका गठन? इसका जो विधेयक है इसका, ठीक है, विधेयक जब इसका पारित होता है तो कब पारित होता है? 5 दिसंबर 2019 को। तो 5 दिसंबर 2019 को हमारा इसका विधेयक पारित होता है, और 5 दिसंबर 2019 में जब ये विधेयक पारित होता है तो फिर यहाँ पे ये विधेयक हमारा देवस्थानम विधेयक करके पारित होता है, और उसके बाद हमारा ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम ये हमारा एक बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, 2019 में होता है ये। तो हमारा कब बन रहा है ये अधिनियम? 5 दिसंबर 2019 को एक विधेयक के रूप में पारित हो रहा है, और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम हमारा 2019 में बनकर रेडी हो जाता है। जब इस वर्ष ये हमारा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम बनता है, उस समय जो उत्तराखंड में गवर्नमेंट होती है वहां पे सीएम होते हैं उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की यहाँ पे एक गवर्नमेंट होती है, और जो रीजन रहा है इसको लाने का, उसके पीछे त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही गवर्नमेंट थी कि उन्होंने ही इस विधेयक को लाने की एक सिफारिश रखी कि हाँ, जो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में इतने सारे मंदिर हैं, इन सभी का एक कंट्रोल होने के लिए एक हम एक देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड करके एक बोर्ड का गठन कर देते हैं। इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य होगा या इस बोर्ड का एक काम होगा वो यही होगा स्वर्ण कि इन चारों धामों में और जो अन्य यहाँ के मंदिर हैं, इन सभी पे एक अपना आर्थिक रूप से एक नियंत्रण कर सके। नियंत्रण तो करेगा, साथ ही साथ में आर्थिक एक नियंत्रण भी करेगा। अब आर्थिक नियंत्रण कैसे करेगा स्टूडेंट? आर्थिक नियंत्रण से हम क्या समझ रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारे प्रसिद्ध धाम है, प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक इन्हें एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। कई लोगों द्वारा यहाँ पे या कई पर्यटकों द्वारा यहाँ पे आया जाता है, कुछ घूमने के पर्पज से आते हैं तो कुछ एक अपनी आस्था लेके यहाँ पे पहुंचते हैं। तो दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, डेफिनेटली वो आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दान भी करके जाते हैं। अगर हम ही किसी मंदिर में जाते हैं तो अपनी स्वेच्छा से कुछ ना कुछ दान हम भगवान के मंदिर में करके आते हैं। तो वही एक दान होता है जो स्टूडेंट वो लाखों और करोड़ों के रूप में क्या होता है, जब उसे इकट्ठा किया जाता है तो वो करोड़ों के रूप में इकट्ठा होता है। ठीक है, इतनी ज्यादा उसकी एक आय होती है। तो यहाँ पे जो एक आर्थिक नियंत्रण था गवर्नमेंट का, आर्थिक नियंत्रण के रूप में ये महसूस किया गया कि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा आर्थिक नियंत्रण होगा, और जो यहाँ की आय है, ठीक है, जो यहाँ की आय है मंदिर की आय, जैसे हम देखते हैं कि मंदिर की जो मंदिर की में जो चढ़ावा होता है, जो वहां से एक आय होती है, उसका एक हिस्सा हमारा किसके पास जाता है, उसका हमारा एक हिस्सा जाता है जो मंदिर के पुजारी होते हैं। ठीक है, जो मंदिर के तीर्थ पुरोहित होते हैं, जो पूरी मंदिर की व्यवस्था का एक अपना ध्यान रखते हैं, या मंदिर की जिनके पूरी व्यवस्था जिनकी देखरेख में होती है, ठीक है, जो हेड ऑफ द वहां पे पुरोहित होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, जो भी मंदिर की आय है, जो दान किया जा रहा है, तो उनका एक हिस्सा किसके पास चले जाता है, उन मंदिर में जो रहने वाले पुजारी हैं या जिनके नियंत्रण में वो पूरा मंदिर है। मान लीजिए केदारनाथ धाम में जो हमारे मुख्य पुरोहित हैं, ठीक है, जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो वहाँ की सारी व्यवस्था का ध्यान रखते हैं कि कैसे पर्यटक आएंगे, ठीक है, क्या किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ होगी, हर चीज का एक ध्यान रखने के लिए यहाँ पे क्या है, कोई बाहर से तो है नहीं, तो हर जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी धाम हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, एक कोई ना कोई पुजारी या पुरोहित या साधु संत वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उस आय का हिस्सा किनके पास जाता है, इन लोगों के पास जाता है। अब देवस्थानम बोर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ने बना दिया, तो यहाँ से इन्होंने ये कर दिया कि जो ये मंदिर की आय है, ठीक है, तो मंदिर को प्राप्त होने वाली आय है, मंदिर को जो प्राप्त होने वाली आय है ये किसके पास चली जाएगी, अब ये चली जाएगी हमारी देवस्थानम बोर्ड के नियंत्रण में। ठीक है, इस पे किसका कंट्रोल होगा, इस पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा देवस्थानम बोर्ड का। ठीक है, देवस्थानम बोर्ड हमारा क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा गठित किया गया है। अब डेफिनेटली इसकी जो भी आय हो रही है, यहाँ से जो भी हमारे मंदिर की आय है, ठीक है, तो जितनी भी हमारी मंदिर की इनकम है वो किसके पास जा रही है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली हमारी किसके पास जा रही है, सरकार के पास जा रही है। कैसे जा रही है, क्योंकि सरकार ने गठन कर दिया है देवस्थानम बोर्ड का। अब सरकार के पास ये सारी इनकम जा रही है, तो सरकार ने इसको गठन करने के लिए एक चीज यही फंडा उसमें दिया,
कि ठीक है जो भी मंदिरों में आय हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड की बार बार इसमें हमारे इन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि उत्तराखंड में क्या है आय के बहुत कम साधन है, ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही करके बोला जाता है, ठीक है, कई बार सैलरी वगैरह के लिए भी बोलते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या है बहुत कम पैसा है, ठीक है, आने वाले टाइम पे कई तरीके की दिक्कतें हो सकती है, इसलिए बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सोचा कि जो ये मंदिर है, मंदिरों में जो एक इनकम हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पे चढ़ावा मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, ये सरकार उससे क्या करेगी, सरकार स्कूलों पे वो लगाएगी पैसा, ठीक है, सरकार वो पैसा शिक्षा पे लगाएगी, सरकार वो पैसा भवन निर्माण में लगाएगी, वो पैसा पार्क निर्माण में लगाएगी। तो कई तरीके की जो एक्टिविटी सरकार करती है उसमें से सरकार ने ये निर्णय लिया कि ठीक है जो इन मंदिरों में जो आय हो रही है हमारी, ठीक है, जो इस मंदिरों से जो हमारी एक आय मिल रही है, जिसका हिस्सा हमारा किसके पास जा रहा है, मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों के पास जा रहा है, तो वो उस चीज को सरकार इनके पास ना जाके सीधे की सीधे किसके पास आ जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देवस्थानम बोर्ड जो गठित किया गया है उसके माध्यम से। अब देवस्थानम बोर्ड में भी क्या होता है, एक यहाँ पे मुख्य एक अधिकारी की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, ठीक है, क्यों की जाती है, क्योंकि वही सारी चीजों को कंट्रोल करता है, देखता है। तो मेन पर्पज यही है इस देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का कि एक बोर्ड होगा जो पूरा नियंत्रण रखेगा कि कहाँ पे मंदिरों में क्या चीज हो रही है, मंदिरों में कितना पैसा आ रहा है, मंदिरों के पैसे का कहाँ पे यूज करना है, और वो सारा पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट उसे शिक्षा, भवन निर्माण आदि इत्यादि इन सभी चीजों में एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की होती है वहां पे गवर्नमेंट उसे लगाती, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसके पीछे जब से हमारा इसका एक गठन हुआ, ठीक है, तो उसी समय से सरकार के द्वारा जब इसमें नियंत्रण कर दिया, ठीक है, धीरे धीरे तो सारी चीजें क्लियर नहीं थी, बट जब इस पर आर्थिक रूप से भी सरकार का नियंत्रण हो गया तो धीरे धीरे चीजें जो वहाँ के मंदिर के पुरोहित वगैरह थे, ठीक है, साधु संत थे, तो उनको जब चीजें इसकी क्लियर हुई तो उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन इसमें किया गया, ठीक है। कई बार मंदिरों के दरवाजे भी उनके द्वारा बंद कर दिए जाते थे, विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा दिखाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इस टाइम। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्च 2021 में जब दबाव बढ़ गया था, तो ठीक है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था पद से। एक इस्तीफे का कारण उनका हम ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस जब ये हमारा बोर्ड बना तो उस टाइम से ही हमारे जो पुरोहित वगैरह थे, ठीक है, काफी हद तक नाराज हो गए थे, विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा चल रहा था, तो उनको भी पद से हटाए जाने की मांग चल रही थी, तो खुद से ही उन्होंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारे जुलाई में, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी सीएम बनते हैं उत्तराखंड के, तब वहां से क्या होता है, लगातार विरोध प्रदर्शन एक चल रहा होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि 2022 में हमारा क्या था, विधानसभा के चुनाव भी थे, तो कई चीजें हैं पॉलिटिक्स में यही होता है स्वयं कि गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, कुछ बिल वगैरह पास करती है, कुछ अधिनियम बना देती है, खुद से बना दे रही है अपने फायदे के लिए, ठीक है, या जनता के लिए, जो भी चीजें हैं उसके पीछे की जो बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं। बट एट लास्ट अगर उसका उन सभी चीजों का विरोध प्रदर्शन होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, मजबूर भी हो जाती है उस चीज को निरस्त करने के लिए। क्यों हो जाती है, क्योंकि ठीक है इलेक्शन है, कई तरीके की चीजें हैं, वोट बैंक्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती है स्टूडेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इसमें विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है, तो जब यहाँ पे सीएम थे हमारे पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, इस देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के लिए, ठीक है, एक क्या होता है उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है इसकी जांच के लिए, ठीक है। तो देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की एक जांच के लिए, एक इस सभी चीजों के लिए जिसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसके लिए हमारा देवस्थानम बोर्ड गठन किया गया, तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए। उस समिति का नाम होता है मनोहर कांत ध्यानी समिति, ठीक है, तो आपको ये नाम अच्छे से याद रख लेना है स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वाले मामले में पूरे एक साल तक, ठीक है, आप देखेंगे कि 5 दिसंबर 2019 को हमारा ये एक विधेयक पारित हुआ इसका, ठीक है, तो जब से ये हमारा एक्ट बना तब से लेके 2021 में ये हमारा क्या हो रहा है, ये बोर्ड हमारा निरस्त हो रहा है, ठीक है, पूरे 2 साल ये लेता है, और हम देखते हैं कि पूरे 1.5 साल डेली के डेली ही ये न्यूज में ये वाला मुद्दा हमारा बना रहता है, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे क्या किया, इस बोर्ड की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, ठीक है, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। उस उच्च स्तरीय समिति का नाम क्या होता है स्टूडेंट, मनोहर कांत ध्यानी समिति, ठीक है, तो इसका नाम होता है हमारा
जो समिति गठित की जाती है इसका नाम होता है मनोहर कांत ध्यानी समिति। ठीक है, ये समिति गठित की जाती है, किसके लिए गठित की जाती है, देवस्थान प्रबंधन बोर्ड की और सारी चीजों की ये क्या करेगी, जांच करेगी। तो ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट जांच करती है और रिपोर्ट अपनी पेश कर देती है। ठीक है, ये जो समिति है मनोहरकांत ध्यानी समिति, ये समिति अपनी रिपोर्ट जो पेश करती है सीएम को कब करती है, 25 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2021 को ये जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ठीक है, मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद हम देखते हैं एट लास्ट हमारा 30 नवंबर 2021 की वो डेट जिस दिन क्या होता है, ये देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का क्या हो जाता है, निरस्त इसे कर दिया जाता है। ठीक है, तो उक्त तिथि को क्या होता है सर, कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड जो अधिनियम होता है, ठीक है, इस डेट को, इस अधिनियम को क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो 30 नवंबर 2021 को ये हमारा क्या होता है, देवस्थान प्रबंधन बोर्ड अधिनियम हमारा निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, उससे पहले 25 अक्टूबर को 2021 को हमारी रिपोर्ट पेश की जाती है, किसके द्वारा, मनोहरकांत ध्यानी समिति के द्वारा। ठीक है, सीएम को ये रिपोर्ट पेश की जाती है, फिर 30 नवंबर 2021 को एक डिसीजन आ जाता है, क्योंकि अक्टूबर में जो ये विरोध प्रदर्शन होता है, ठीक है, अक्टूबर के टाइम से ही ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारा, जो अक्टूबर में ये विरोध प्रदर्शन होता है, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी अन्य लोग होते हैं जो मंदिर से जुड़े होते हैं, इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अक्टूबर में विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद हमारा नवंबर में 30 नवंबर 2021 को ये जो देवस्थान प्रबंधन बोर्ड है अधिनियम, इसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट जो हमने जानी आज के लेक्चर में, कि क्या है हमारा उत्तराखंड देवस्थान प्रबंधन बोर्ड और किस लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो चार जो हमारे प्रसिद्ध धाम है, ठीक है, केदारनाथ जैसे रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ हमारा चमोली में हो गया, ठीक है, यमुनोत्री एंड गंगोत्री दोनों ही धाम हमारे कहाँ पे हैं, दोनों ही धाम हमारे उत्तरकाशी में है। तो आइए देख लेते हैं एक बार 5 मिनट में क्विक रिवीजन की हमने आज क्या पढ़ा। ठीक है, तो उत्तराखंड जो देवस्थान प्रबंधन बोर्ड है, ठीक है, इसका गठन किया जाता है, ठीक है, इसका हमारा गठन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्यों किया जाता है स्टूडेंट, कि उत्तराखंड की जो चार धाम है उसके साथ ही साथ केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, ठीक है, उसके साथ ही साथ हमारे जो 51 मंदिर हैं यहाँ पे, 85 या 51 जो भी मंदिर हैं, उन सभी के एक नियंत्रण के लिए एक देवस्थानम बोर्ड का गठन किया जाता है। और ये जो विधेयक होता है इसका, ठीक है, ये विधेयक इसका 5 दिसंबर 2019 को ये विधेयक हमारा पारित होता है। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2019 को ये विधेयक पारित होता है, 14 जनवरी 2020 को ये बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, कि जब ये हमारा विधेयक बन जाता है तो एक आर्थिक रूप से एक नियंत्रण हो जाता है इस बोर्ड का, कि जो मंदिरों में आय है होने वाली, ठीक है, वो हिस्सा जो होगा इस बोर्ड के पास चले जाएगा। ठीक है, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो इन सभी चीजों पर एक ध्यान रखता है। ठीक है, तो उसके बाद से साधु संतों और पुरोहितों द्वारा क्या होता है, एक विरोध प्रदर्शन लगातार इसके लिए किया जाता है कि आप इस बोर्ड को निरस्त करिए, क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है, एक जो हमारी एक आस्था है, ठीक है, जो पुराने टाइम से चली जा रही है, उसको ये खंडित कर रही है। ठीक है, कि आप जो मंदिरों में आए हो रही है, भगवान की आए है, जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत जो भी पैसा आता है उस पर आप लोग अपना नियंत्रण कर रहे हैं, तो उस चीज को निरस्त करने के लिए एक बार बार क्या होता है, पुरोहितों और साधु संतों के द्वारा बार बार एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पुष्कर सिंह धाबी के द्वारा, ठीक है, एक यहाँ पे एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, मनोहरकांत ध्यानी की समिति। ठीक है, तो ये जब हमारी समिति गठित हो जाती है, ये समिति का गठन किया जाता है हमारा 15 अगस्त को। ठीक, 15 अगस्त के बाद हमारा 25 अक्टूबर को ये रिपोर्ट पेश की जाती है। ठीक है, तो 25 अक्टूबर को 15 अगस्त 2021 को ये समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, 25 अक्टूबर को ये समिति अपनी एक रिपोर्ट पेश कर देती है सीएम को, उसके बाद इसमें मंत्रिमंडल की उपसमिति इसमें इसकी फिर से इस रिपोर्ट आई है उसकी जांच करती है और फिर से वो समिति जो अपनी एक रिपोर्ट होती है सीएम को पेश करती है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा 30 नवंबर 2021 को ये जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, देवस्थान प्रबंधन बोर्ड, उसका क्या होता है,
उसका अधिनियम को, उस अधिनियम को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज का हमारा लेक्चर जो हमने देखा उत्तराखंड देवस्थान प्रबंधन बोर्ड के बारे में। आप भी इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, बाकी जितनी चीज़ें स्टूडेंट आज हमने समझी आप पॉइंट बाय पॉइंट इनको अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके चांसेस है कि ये आपके पेज के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग सब अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।